आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। मैं हूं साइमा काजी आपके साथ। आए डालते हैं नजर देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में QR बेस्ड OPD रजिस्ट्रेशन मुतारफ। लोग आबा ID बनाकर उठा सकते हैं सहूलियत का फायदा। मरीजों को लंबी कतारों में खड़ा रहने से मिलेगी निजात। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ममनुआ दहशतगर्द तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब और हरियाणा के 10 मकाम पर हुई तलाशी। सरहद पार से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद की स्मगलिंग की मुजरमाना साजिश के सिलसिले में मारे गए छापे। अमरीकी वजीर आजम जो बाइडन का वजीर आजम मोदी के दौरे से कबल बयान। कहा, मोदी की हुक्मरानी में भारत में है एक मुतहरक जमहूरियत। किसी को शक है तो वो दिल्ली जाकर देख सकता है खुद। जम्मू में अमरनाथ यात्रा निवास और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का होगा कायम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रखी संगे बुनियाद। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का जम्मू में खिताब के दौरान दावा। कहा, हिंदुस्तान 2047 से पहले बन जाएगा तरक्की याफ्ता मुल्क। रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। हिमायतियों समेत 12 लोगों के दर्ज किए बयान। मुख्तार अंसारी को सजा होते ही लगे हर हर महादेव के नारे। कोर्ट अहाते में वकीलों ने जमकर की नारेबाजी। वजीर आला योगी के जन्मदिन का केक काट कर दोनों जश्न मनाए साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ICCW सहूलियत की शुरू। अब ATM स्क्रीन पर QR कोड स्कैन कर निकाल सकेंगे पैसे। ये बैंक UPI के जरिए नकद निकासी की सहूलियत देने वाला बना पहला अवामी मरकज। मोदी के गुजरात में आज भी दलित अछूत। शर्मनाक वाकया आया सामने। क्रिकेट मैच में दलित ने उठाई गेंद, तलवार से काटा नौजवान का अंगूठा। ओडिशा रेल सानिहा में एक और खुलासा। 40 लोगों की बिजली करंट से मौत का खदशा। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाशों पर नहीं कोई जाहिरी चोटें। वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल कल मरकज के जारी किए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ अखिलेश यादव की हिमायत मांगने जाएंगे UP। लखनऊ में होगी दोनों वज़रा की मुलाकात। जिला कठुआ में एक बेकाबू ट्रक दुकानों में जा घुसा। दुकानों के मनहदम होने से भारी नुकसान। लोगों ने सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने वालों पर लगाम लगाने की मांग। अगुवाणी सुल्तानगंज पुल के मनहदम होने पर बिहारी वजीर तेज प्रताप यादव का भाजपा परिवार। कहा, हम पुल बनाते जा रहे हैं और BJP गिराती जा रही। कश्मीर यूनिवर्सिटी की कौमी दर्जा बंदी में बेहतर कारगर्दगी। NIRF रैंकिंग में कश्मीर यूनिवर्सिटी को मिला तीसरा रैंक। 20 पायदान चढ़कर 53 से गया 33वां रैंक। पार्लियामेंट की नई इमारत में कश्मीरी तहजीब की झलक। कलवा कोश को शारदा लिपि में लिखा गया बाबा दाखले पर। कई जबान की तहरीर में शारदा लिपि भी शामिल। तारीखी मुगल रोड 8 दिन बाद ट्रैफिक के लिए आरजी तौर पर बहाल। रत्ता छम इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद थी अहम सड़क। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की कर्ज में रोजाना 40 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा। इत्तेहादी हुकूमत ने एक साल में 14,894 अरब रुपए से ज्यादा लिया कर्ज। नई तकनीक के साथ एप्पल ने अपना पहला मिक्स रियलिटी हेडसेट एप्पल विजन प्रो किया लॉन्च। कंपनी का दावा, आवाज और आंखों के इशारे से होगा कंट्रोल हेडसेट। 2,88,724 रुपए तय की गई कीमत। काबज इसराइली फोर्सेज की मगरबी किनारे पर फायरिंग। गोली से 3 साल का बच्चा जां बहक। मोहम्मद तमीम के सर पे इसराइल फौज का वार। और रूस में मुतअद्दद रेडियो स्टेशन हो गए हैक। हैकर्स ने सदर पुतिन की मस्नूई जहानत से तैयार की गई तकरीर की नशर। जाली तकरीर में सदर ने ऐलान किया, यूक्रेन में रूसी दस्तों ने 3 सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7।